हेलो एवरीवन, आज की लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फॉर्मल पैंट सिखाएंगे, वो भी मेजरमेंट, कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग तक। आज का लाइव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आप सबका थैंक यू। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे मेरा इतना हेल्प किया और मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका सबसे बड़ा हाथ है। देखिए, आज की लाइव में अपना पूरा 100% दूंगी ताकि आज की लाइव में आप फॉर्मल पैंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे और आज की लाइव में आपके पैंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आज हम स्मॉल साइज में पैंट बनाने वाले हैं, लेकिन मेरे मेथड से स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, तीनों साइज का पैंट आप बहुत आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले हम आपको आज की क्लास में जो मेजरमेंट होगा, वो मेजरमेंट आपको बॉडी के ऊपर ही लेकर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पैंट का मेजरमेंट लेना होता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं पैंट से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले जब आप पैंट बनाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि पैंट बनाते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पैंट घूम जाती है, जैसे पैंट में खिंचाव आता है, हमें बैठने में भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, आप कौन सा पैंट बना रहे हैं। वैसे तो पैंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम नॉर्मल पैंट बनाते हैं, फॉर्मल पैंट बनाते हैं, कार्गो पैंट बनाते हैं, बेल बॉटम पैंट बनाते हैं। तो अगर ये 5 से 6 तरीके के पैंट आप सीख लेंगे तो आप कोई भी टाइप का पैंट बड़ी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये तीनों पैंट ही एक दूसरे से अपोजिट भी हैं और जितनी भी पैंटें आप ये सीखेंगे सारी पैंटें इन्हीं पैंट से रिलेटेड होती हैं। कुछ कुछ पैंट में कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं और पूरा पैंट हमारा मोस्टली एक ही तरह से बनता है। तो जैसे आज हम फॉर्मल पैंट सीखेंगे, आइए हम आपको फॉर्मल पैंट का मेजरमेंट लेना सिखाते हैं। जब भी आप फॉर्मल पैंट का मेजरमेंट लेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं कि आप जब फॉर्मल पैंट बनाते हैं या फॉर्मल पैंट का अभी आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले फॉर्मल पैंट का लेंथ का मेजरमेंट लूंगी। जब भी हम फॉर्मल पैंट लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो हमें इसको पैंट के अंदर कर लो बेटा। देखिए, पैंट का इन्होंने पहना हुआ है यहाँ पे लूज पैंट, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप कोई भी पैंट का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको ये साइड में जो पैंट में जॉइंट होता है, इस जॉइंट से आपको पैंट का लेंथ लेना है। तो यहां पर आप मेजरमेंट टेप रखेंगे, जहां पर पैंट पहना है यहां पर आप देखेंगे पैंट की बेल्ट 1.5 है और पैंट का टोटल लेंथ है 36। तो हम यहां पर पैंट का लेंथ रखेंगे 36। उसके बाद आप फिक्स बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो जहां पर भी आप पैंट पहनते हैं वहां से आप बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहां पर हमारा बेल्ट है 24। उसके बाद आपको लेना है हिप साइज, फिक्स बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे और फिक्स आपका हिप साइज रहेगा। यहाँ पर हमारा हिप साइज है 31, तो हम यहाँ पर 31 लेंगे। उसके बाद आपको थाई का मेजरमेंट लेना है। देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मल पैंट बना रहे हैं, इतना लूज नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो थाई का मेजरमेंट है वो रहेगा 22। देखो, इतना लूज मैंने रखा है, ये वाला पैंट हमारा ज्यादा लूज है, लेकिन हम नॉर्मल बनाएंगे। 22 हमें थाई रेडी रखना है। तो यहां पर मैंने लूजिंग ऑलरेडी ले लिया है, आप देख सकते हैं मेजरमेंट टेप में ही अगर आप लूजिंग ले लेंगे तो आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा, उसको पता रहेगा मेरा पैंट रेडी इतना लूज आने वाला है।
तो मैंने देखो कितना लूज लिया है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर पैंट बिल्कुल फिटेड नहीं बना रही हूँ, थोड़ा लूज करके बना रही हूँ 22। अब हम लेंगे यहाँ पे नी लेंथ। देखो यहाँ से यहाँ तक आप पहले लेंथ भी ले लेंगे, नी लेंथ आपका कितने पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नी लेंथ हमारा आ रहा है 1616 पर ले लेंगे। नी से मैंने नी कहाँ पे है नी लेंथ हमने लिया है नी लेंथ हम ले रहे हैं 18 इंच। तो यहां पर नी लेंथ है 18। अब 18 से ही आपको लेना है फिटिंग। यहां पर हम लेंगे 1616। उसके बाद नीचे बॉटम लेना है। देखिए बॉटम भी हम इतना लूज तो नहीं बना रहे हैं, यहां पर हम बनाएंगे 14। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बॉटम लूज रखा है 14 इंच। तो ये था हमारा पैंट का मेजरमेंट। अब देखिए पैंट मेजरमेंट हमने ले लिया है, अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक कटिंग करना है। क्या क्या पैंट में लगाने वाले हैं, क्या क्या पैंट में बनाने वाले हैं, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, फिक्स बेल्ट बनाएंगे। फिक्स बेल्ट के साथ हम यहाँ पे लुपियाँ भी अटैच करेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड में पॉकेट लगाएंगे बिल्कुल फॉर्मल पैंट की तरह। उसके बाद हमें बैक में भी पॉकेट लगाना है, तो एक साइड में हम बैक में पॉकेट भी डालेंगे। तो इस पैंट में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर फैब्रिक कटिंग करते हैं। तो अभी जो हमने मेजरमेंट लिया है, सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल, ट्रायंगल शेपर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए 2 मीटर। 2 मीटर फैब्रिक लेंथ के ऊपर भी होता है। जैसे हमारा लेंथ यहाँ पर है पैंट का लेंथ 36, तो इजीली हम इसको 2 मीटर से बना सकते हैं। 36 से ज़्यादा होता है लेंथ, जैसे 37 है, 38 है, 39 है, तो फिर आपको 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है, ये जैसे पैंट का फैब्रिक है ना, वैसे ही है। ये हमारा कुछ आउटफिट बनाया था हमने, तो उसी से बचा हुआ फैब्रिक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ से कटिंग हो रखा है फैब्रिक। तो अभी इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर फोल्ड वाली साइड से, ये फोल्ड वाली साइड है, फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे। लेंथ के लिए आपका जो भी फिक्स लेंथ है, जैसे हमारा 36 है, तो 36 में आपको बेल्ट लगाना है 1.5 इंच। अब यहाँ पर जब आप बेल्ट अटैच करेंगे तो उसका माइनस करेंगे, लेकिन बेल्ट अटैच करने के लिए भी 1/2 इंच आपका जाएगा। तो लेंथ टोटल जितना भी है उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 1 इंच माइनस कर लेंगे। 36 से 1 इंच माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आएगा 34। उसी के साथ हम यहां पर ले रहे हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। हमेशा अगर आप पैंट बनाते हैं तो नीचे फोल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। कम से कम 2.2 इंच से 2.5 तक आप यहां पे ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 36.5। अब इन दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसी के साथ स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल वाले शेपर का यूज करेंगे, ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी आए। आपको सबसे ऊपर लेना है जो भी आपका साइज है, हिप साइज डिवाइडेड बाय 4। तो जो भी आपका हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 30, हमारा हिप साइज है 31, 31 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और यहाँ पर हमारा आ गया 7.5। अब अगर आप फ्रंट पार्ट में प्लेट डाल रहे हैं तो आप प्लेट का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लेंगे
प्लस वन, तो यहां पर आ गया हमारा 8.75। इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद जो भी आपने यहां पे लिया है वो सेम आप यहां पे लेंगे 8.75। स्ट्रेट लाइन, यहां पर आपको लेना है जो भी आपका थाई का साइज है। अब हमारा थाई साइज है 22, हम लेंगे यहां पर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मैंने यहां पर 11 इंच पे मार्क कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन आपको दोनों साइड में लेना है यहां पे सिलाई के लिए, क्योंकि 22 इंच हमारा रेडी है। अब यहां पर हमारा टोटल कितना हो गया है, हाफ हाफ इंच अगर हम दोनों साइड से लेंगे तो हमारा टोटल यहां पे 12 इंच आ गया है। यहां पर आप 2 इंच माइनस कर देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। यहां पर आपका क्या होगा, देखो यहां पर आपने जो भी साइज लिया है, जैसे आपने लिया 8.75, नीचे वाली लाइन आपकी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा आ जाएगी 1 इंच। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे साइज आ रहा है वो आप यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले ले। अब इस पूरी लाइन का आपको सेंटर लेना है, मैंने 12 इंच का सेंटर लिया 6। अब सीधा सीधा आपको नीचे वाली लाइन पे भी 6 इंच पे मार्क कर देना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से मिला देना है। इससे आपका शेप बहुत परफेक्ट आएगा। अब आपको देखना है कि आपकी पैंट की नीचे से साइज कितना है, मतलब आपने जो बॉटम लिया है वो कितना साइज है। हमारा बॉटम है 14, तो 14 इंच को आप इस तरह से देखो, 14 इंच को आप ऐसे हाफ करेंगे कि 7 इंच आ गया है, यहां पर निशान लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 3.5। 3.5 इस साइड लेंगे, 3.5 इस साइड लेंगे और दोनों साइड में आपको हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब आपको लैग कर्व स्केल लेना है और लैग कर्व स्केल से दोनों पॉइंट को मिला देना है। शेपर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऊपर वाली साइड भी आपको शेपर का डायरेक्शन चेंज करना है। यहां पर आप फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करेंगे, इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की पैंट की कटिंग करनी है। अब जो आपका नीचे वाला पार्ट है, पहले मैं नीचे वाले पार्ट को कटिंग कर देती हूं। उसके बाद यहां पर आपको लेना है सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने यहां पर 1 इंच लिया है प्लेट के लिए, तो सेंटर पे मार्क करेंगे और इस सेंटर पे आप प्लेट की मार्किंग करेंगे। प्लेट का लेंथ आपको रखना है 4.5, दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच लेना है क्योंकि हमने यहां पर 1 इंच प्लेट के लिए लिया है, इस तरह से मिला देंगे। तो ये आपका प्लेट भी डल गया है फ्रंट में। अगर आपको प्लेट डालना है तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। जब भी आप यहां पर साइड से पैंट को कटिंग कर रहे हैं तो आपका लेंथ जहां पे भी आ रहा है यहां पे आप एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। इससे आपका ये शेप बहुत
परफेक्टली आ जाएगा, वरना कभी कभी हमारा पैंट नीचे से फोल्ड करते हैं तो हमारी पैंट में झोल आ जाता है, तो अब नहीं आएगा। नीचे लेंथ आपको जितना भी फोल्ड करना है वहां पे आप कट लगा देंगे, यहाँ पे भी आपको कट लगा देना है प्लेट के सेंटर में। अब आपको दूसरी साइड से बैक पार्ट निकालना है। अभी देखिए ये हमारा फोल्ड साइड है, फोल्ड वाली साइड से हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। अभी हम यहाँ पर स्मॉल साइज बना रहे हैं, मीडियम साइज नहीं बना रहे हैं, हैवी साइज नहीं बना रहे हैं, तो पैंट का यहाँ पर स्मॉल साइज है। उसके लिए आप यहाँ पर लेंगे ऊपर से 1.5 इंच, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच, और सबसे पहले ये 1.5 इंच पे आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद ये वाली जो आपकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है इसको आप शेपर के यूज से इस तरह से बनाएंगे, और शेपर का भी नीचे वाला पार्ट यूज करना है, ऊपर वाला यूज नहीं करना है। आप ये वाला पार्ट अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्मॉल साइज ले रहे हैं तो स्मॉल साइज के लिए हम यहाँ पर 1.5 ले रहे हैं, मीडियम साइज के लिए ये 2 इंच होगा, हैवी साइज के लिए ये 2.5 होगा। ओवर हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 3 और 3 भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको साइड में मार्जिन लेना है। कभी भी आपका पैंट अगर पीछे से आगे की तरफ घूम जाता है, इसका मतलब है आप यहाँ पर मार्जिन जितना ले रहे हैं आप नीचे भी उतना ही ले रहे हैं, लेकिन आपको नीचे उतना नहीं लेना है, आपको कम लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.25 और यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंच। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मार्जिन है, बाकी ये हमारी लूजिंग नहीं है, लूजिंग हमने मेजरमेंट टेप में ही रख लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। दोनों पॉइंट को मिला देंगे यहां पर भी। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी आसन में खिंचाव की, क्योंकि वो इसलिए आती है क्योंकि जब हम आसन पर शेप देते हैं वो शेप हमारा प्रॉपर नहीं आता, तो हमें शेप देना है इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। देखिए मैं यहाँ पर शेप डाल रही हूँ इस तरह से, जब मैं ये शेप डालूंगी तो जब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करूंगी तो मेरा छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आपको हाथ से डालना नहीं आ रहा है तो आप फ्रेंच कर्व स्केल का ये वाला पार्ट यूज करेंगे इस तरह से, इससे भी आप ये वाली शेप डाल सकते हैं। अंदर वाली साइड से यूज करेंगे बिल्कुल परफेक्टली आपका ये वाला शेप आ जाएगा। अब हम बैक पार्ट को भी कटिंग कर देते हैं। अब जो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप आसन में आपका खिंचाव आता है या फिर आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो आप गलती करते हैं स्टिचिंग में। तो जो हम अभी आपको सिखाएंगे स्टिचिंग के छोटे छोटे से पॉइंट जो आपको पैंट स्टिच करने में बहुत ध्यान रखना है, जैसे आसन जॉइंट करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है, इन सभी पॉइंट से आपको पैंट में खिंचाव आएगा ही नहीं। तो पहले हम निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट को कटिंग कर देते हैं।
मार्जिन को एक्स्ट्रा ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। अब मैं आपको पॉकेट की कटिंग बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल पैंट में पॉकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका पॉकेट लगता ही है। पॉकेट के लिए हम कोई भी प्लेन फैब्रिक ले लेंगे, वाइट कलर या ब्लैक कलर, हम यहाँ पर वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो कोई भी हमारा कॉटन का फैब्रिक रहेगा वाइट कलर, उसी से हम यहाँ पे पॉकेट कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर पॉकेट कटिंग करेंगे, तो पॉकेट के लिए मैंने वाइट कलर फैब्रिक लिया है। वाइट कलर के फैब्रिक से हमें पॉकेट कटिंग करना है। इस तरह से हम दोनों साइड की पॉकेट कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉकेट का विड्थ लेना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5.5। ऐसे ही हमें पॉकेट का लेंथ लेना है, तो यहाँ पर ले रहे हैं 11.5। 5.5 आप इस साइड से लेंगे, 5.5 आप इस साइड से लेंगे। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है 2 इंच, 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को इस तरह से मिलाएंगे, और ये आपका पॉकेट कटिंग हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप मार्किंग करेंगे। अगर आप कोई भी बड़े साइज का कर रहे हैं तो पॉकेट का साइज आप बढ़ा सकते हैं। फोल्ड वाली साइड से कटिंग कर देंगे। सेंटर पे कट लगा देंगे इस तरह से, दोनों साइड में कट लगा देंगे। दोनों पॉकेट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले पॉकेट को अटैच करना है पैंट में, तो अब हम मशीन पर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.25 इंच की एक पट्टी ले लेंगे, जिसमें कि हम इस पट्टी से लुपियाँ बनाएंगे। तो इस पट्टी का सीधे वाला साइड हमारा ये है, और सीधे वाली साइड से हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, और जितना भी लुपी आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और दोनों पट्टियों पे इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह की दो पट्टियाँ ले लेंगे। और दोनों पट्टियों पे एक साथ सिलाई लगा के इन पट्टियों को पलट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल इक्वल सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद इन पट्टियों को पलट लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को पलट लेंगे। एक पट्टी और आपको इस तरह से सिलाई लगानी है, जो हमें पॉकेट के ऊपर पाइपिंग लगानी है। अब देखिए, इस पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा के इस पट्टी के ऊपर ओवरलॉक कर लेंगे। पट्टी की लेंथ आपकी पॉकेट की लेंथ के जितना ही होना चाहिए, तो ये दोनों पॉकेट पर हमारी आसानी से यूज़ हो जाएगी। तो
तो अब इस पट्टी पे आपको ओवरलॉक कर लेना है। अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए पॉकेट के लिए हमने ये वाइट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले पॉकेट को हम फ्रंट वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में हमने प्लेट डाला है और प्लेट का निशान भी लगाया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले प्लेट डालूंगी। हाफ हाफ इंच हमने दोनों साइड से लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालना है। आप इस प्लेट को नॉर्मली भी डाल सकते हैं, जैसे इस तरह से प्लेट डलता है। ये भी आपकी प्लेट फॉर्मल पैंट में डलती है, तो इस तरह से भी डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जेंट्स की पैंट में हमें ये प्लेट डालनी पड़ती है, क्योंकि जेंट्स हमेशा लूज़ पैंट पहनना पसंद करते हैं। ज़्यादातर एजिड जो जेंट्स होते हैं उनकी पैंट पे यहाँ पर इस तरीके से ही प्लेट डलती है। तो आप इस तरह से भी डाल सकते हो और जो मैंने आपको बताया है वैसे भी डाल सकते हो। ऐसे ही दूसरी साइड में प्लेट डालेंगे। देखिए एक स्टाइल प्लेट डालने का ये भी है कि आप यहां तक प्लेट डाल दें और फिर उसके बाद इसको बैक कर दें, और बैक करने के बाद जो आपका नीचे वाला प्लेट है इस प्लेट को आप इस तरह से साइड में करेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से प्रेस कर देंगे। ऐसी भी प्लेट आप डाल सकते हैं, ये भी इस टाइप की पैंट में अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है। पॉकेट के लिए आप यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे या फिर आप इसी के ऊपर पॉकेट रख देंगे। बिल्कुल इस तरह से रखेंगे कि आपका ये पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट में आए। अब देखिए यहाँ पर आपका पॉकेट है लेकिन पैंट हमारा यहाँ है, तो यहाँ से आपको 2 इंच या 1.5 इंच पे मार्क करना है। मैं यहाँ पर 2 इंच पे करूँगी। सभी साइज़ में ले सकते हैं आप, और इस तरह से लेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच पे। अगर आप कोई भी बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप 7 इंच ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब इस निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अभी आपको निशान नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं जब सिलाई लगाऊंगी तो आपको परफेक्टली निशान हमारा दिखाई देगा। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको फैब्रिक को, पॉकेट के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगा देना है। अब इसको हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी पॉकेट लगाएंगे ऐसे ही। अब हम पॉकेट के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमने पट्टी रेडी की है, इस पट्टी को इस तरह से रखना है और जिस तरह से आपको पाइपिंग जितना मोटा चाहिए उतना पाइपिंग आप बाहर निकालेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे।
जितना बारीक और जितना फिनिशिंग से ये पाइपिंग अटैच होगा पॉकेट में, पॉकेट हमारा उतना ही परफेक्ट दिखेगा। अब देखिए बिल्कुल एकदम इक्वल रखेंगे। सिलाई लगाते जाएंगे, पाइपिंग बिल्कुल इक्वल दिखना चाहिए। इस तरह से दूसरी पॉकेट पर भी पाइपिंग लगाएंगे। अब देखिए कितना परफेक्टली हमारा पाइपिंग अटैच हो गया है। अभी जो हमने यहाँ पे ओवरलॉक किया है इस ओवरलॉक के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये पट्टी हमारी बाहर के साइड ना आए। अब देखिए ये स्टिच हो गई है तो ये अंदर ही हमारी सेट रहेगी ऐसे। अब इसके बाद हमें पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करना है। पॉकेट को फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को पलट देंगे। पलटने के बाद एक और सिलाई लगा देंगे। देखिए अंदर से भी हमारा कितना फिनिशिंग से पॉकेट लगा है। इस तरह से आपको पॉकेट दोनों साइड में लगाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पॉकेट में ऊपर वाली साइड वाइट फैब्रिक दिख रहा है, तो हम वाइट फैब्रिक पे यहाँ पे जो हमारी पेंट का फैब्रिक है उस फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सेम साइज़ का हमें यहाँ पे फैब्रिक लगाना है, पेंट के कलर का ही फैब्रिक लगाना है। पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी ताकि हमें ये पता रहे कि कितना साइज़ हमें लेना है। देखिए यहाँ पर लेंथ हम लेंगे 8 इंच और विड्थ हम लेंगे 3.5 इंच। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस फैब्रिक का लेंथ 8 इंच ले लेंगे और विड्थ लेंगे 3 इंच। स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे। अब देखिए इस पट्टी को ओवरलॉक करना है क्योंकि ये फिर हमें फोल्ड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम इसको ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करेंगे और पॉकेट में अटैच कर देंगे। देखिए इस साइड हमें ओवरलॉक करना है और इस साइड करना है, टू साइड में हमें ओवरलॉक करना है। जहां पर ओवरलॉक करेंगे उस साइड में हम यहाँ पे कट लगा देंगे और इस पट्टी पे ओवरलॉक कर लेंगे। तब तक हम दूसरी साइड में भी पॉकेट लगा लेंगे। अभी देखिए इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब जो पट्टी हमारी पाइपिंग वाली है इस पट्टी को हम यहाँ पे लगाएंगे। जितना पाइपिंग हमारा उस पॉकेट में बाहर निकला है वो सेम साइज़ हमें यहाँ पे भी रखना है, वरना दोनों साइड में साइज़ अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए पाइपिंग बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। अब पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पॉकेट की ये वाली साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब पॉकेट को वापस वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे अभी पहले वाला पॉकेट किया था। इस तरह से फोल्ड करना है, किनारे पर सिलाई लगानी है। और पॉकेट को पलट देना है। पॉकेट को पलटने के बाद फिर से एक पैर की सिलाई लगानी है यहाँ पे, ताकि जो अंदर वाला मार्जिन है ये मार्जिन हमारा सिलाई में ही आ जाए। फिर हमारा बाहर से भी परफेक्ट होगा पॉकेट और अंदर से भी। अब देखिए ओवरलॉक हमने कर लिया है। ओवरलॉक करने के बाद हम पॉकेट के ऊपर इसको स्टिच कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना हमारा ओवरलॉक वाला, उस पार्ट को हमें अंदर वाली साइड करना है। इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब पॉकेट लगाएंगे और पॉकेट के जो ये वाला कपड़ा होगा ये हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, वाइट फैब्रिक नज़र नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। अब दोनों पार्ट में हमें इस तरह से पॉकेट के नीचे वाली साइड फैब्रिक लगा के यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा देंगे, ताकि हमारा पॉकेट फ्रंट पार्ट में अटैच हो जाए अच्छे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी पहले ऊपर की साइड स्टिचिंग लगाएंगे, अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट में ओवरलॉक कर लेना है। सिर्फ साइड में करना है, दोनों साइडों में। अब इसी तरह से इस साइड में भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। इस पार्ट में भी अब आपको ओवरलॉक करना है। पहले आप दोनों साइड में ओवरलॉक कर लेंगे, उसके बाद हमें पैंट की साइड से स्टिचिंग करना है, जैसे हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट करते हैं वैसे ही। या फिर हमें पॉकेट पहले लगा लेना है, जैसे हम फ्रंट पार्ट में पॉकेट लगाए हैं पहले, बिल्कुल वैसे ही बैक पार्ट में भी लगाएंगे।
बैक पार्ट में सिर्फ एक ही साइड में पॉकेट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में पॉकेट लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट में पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए हमने पैंट के फैब्रिक पर पेस्टिंग लगा लिया है। ये हमारा पेपर फ्यूजिंग है जो हमने पैंट के इस ऊपर वाले पार्ट में लगाया है, और इस फ्यूजिंग के ऊपर हमने ये मार्क किया है पॉकेट के लिए। ये पॉकेट का साइज़ है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने 4.5 लिया है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप 5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4.5 लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 इंच। यहाँ पर भी 1/2 इंच है, यहाँ पर भी 1/2 इंच है, और सेंटर पर हमने एक लाइन बनाया है जिसमें हम दोनों कॉर्नर पर इस तरह से इस लाइन से मिला देंगे। इस दोनों कॉर्नर को इस लाइन से मिलाएंगे। अब देखिए हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। सबसे पहले तो जो मेरा बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट में मुझे अपने वेस्ट साइज़ का 4th पार्ट लेकर निशान लगाना है, और उसी का सेंटर लेकर यहाँ पर प्लेट डाल देना है, और उस प्लेट का सेंटर लेकर इस पार्ट को उसके साथ अटैच करना है। प्लेट हमने ऊपर से 0.75 इंच लिया है, 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखिए 0.75 इंच से एक लाइन कम लिया है, और लेंथ हमने लिया है यहाँ पर 5 इंच। तो इस तरह से आप बैक में प्लेट डालेंगे। अब इसके बाद हम इस प्लेट का जो मार्जिन है वो इस साइड में करेंगे। प्लेट का मार्जिन फिटिंग वाली साइड में करेंगे, और इस मार्जिन को अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके बाद ऊपर से जहाँ पे भी आपको प्लेट डालना है वहाँ से मार्क करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट में हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आपको पॉकेट लगाने के लिए जो प्लेट डाला है इस पॉइंट से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे आपका रेडी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। और अब हम इस निशान का सेंटर ले लेंगे, दोनों साइड में छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, और अब ये नॉचेस आपके बिल्कुल प्लेट पे आने चाहिए इस तरह से, और जो आपने निशान लगाया है 3 इंच पे, उस निशान पे आप इस पॉकेट को ऐसे रख देंगे। पहले आप ये चेक कर लेंगे कि आपका जो पॉकेट का साइज़ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे चाहे तो हम पिन लगा देंगे। अब आपको पॉकेट के जो निशान हमने पॉकेट का लगाया है इसके चारों तरफ अब हमें सिलाई लगानी है। सिलाई में आपको गैप बहुत कम रखना है, बहुत बड़ा बड़ा टांका नहीं लेना। पिन को हटा देंगे, कॉर्नर बिल्कुल परफेक्टली बनाना है। बिल्कुल कॉर्नर पे निडल आपका अंदर होना चाहिए। निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाते जाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि आपका पॉकेट बिल्कुल सीधा हो। अभी देखो ये पॉकेट बिल्कुल सीधा है क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट उठा हुआ है, इसलिए हमें लग रहा है, लेकिन पॉकेट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले सेंटर पे कट लगाना है। पहले पीछे वाली साइड से एक बार चेक कर लेंगे पॉकेट टेढ़ा तो नहीं हो गया है। अब देखिए पॉकेट बिल्कुल सीधा है। पहले
पहले हम सेंटर में कट लगा देंगे। और यहाँ तक आपको कट लगाना है, उसके बाद दोनों कॉर्नर में कट लगाएंगे। कॉर्नर नहीं कटना चाहिए, सिलाई नहीं कटना चाहिए, इस तरह से आप कॉर्नर में कट लगाएंगे दोनों साइड में। अब इस तरह से दूसरी साइड में भी लगाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड में कट लगा देंगे। अब पेस्टिंग को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और पहले हमें पॉकेट के ऊपर प्रेस कर लेना है। अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके ये पूरा अच्छे से ऐसे बॉक्स बन जाएगा। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से पीछे का लुक आएगा और ऊपर से हमारा इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारा पॉकेट में नीचे की साइड मार्जिन है, ये वाला, इस मार्जिन को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और वापस से इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड उतना ही करना है जितना आपने यहाँ पे कट लगाया, यानी कि हाफ इंच हमारा ये कट था तो ये हाफ इंच ही फोल्ड होगा। फोल्ड होने के बाद देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अगर दोबारा से प्रेस करेंगे तो हमारा पॉकेट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पॉकेट बन जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर हम लुप्पी भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सेम कलर का फैब्रिक लेना है। और एक पतली सी पट्टी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। बहुत पतली सी पट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। अब देखिए, दोनों साइड से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। बहुत बारीक वाली पट्टी बनानी है। तरह से मार्जिन बिल्कुल अंदर कर देंगे और पट्टी पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा लुप्पी को कट कर देंगे। सिर्फ उतना ही लुप्पी यूज़ करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। देखो, इस तरह से लुप्पी पे प्रेस कर लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को इक्वल रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। पहले दोनों लुप्पियाँ एक साथ ऐसे रख के अटैच कर लेंगे। अब इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये ट्रायंगल वाली शेप में ऐसे फोल्ड हो जाए।
उसके बाद इसको पॉकेट के साथ लगा देंगे। अब देखिए इसको प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी लुपी दिखाई देगी। अब इसको पॉकेट के साथ कैसे लगाना है, जो आपका प्लेट है इस प्लेट के बिल्कुल सेंटर पे आप लुपी को ऐसे लगाएंगे। अब आपका जो ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको लुपी ही अटैच करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, हमारी लुपी पॉकेट में ही अटैच हो जाएगी। अब आपको इस पार्ट में सिलाई लगाना है क्योंकि ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। अब जो आपने पार्ट फोल्ड किया है इस पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे बहुत बारीक वाला, और जो आपकी पॉकेट है दोनों पार्ट वाली इसके सेंटर पे आपको यहाँ पे सिलाई लगाना है। इससे हमारी ये सिलाई बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगी, ऊपर से दिखेगी नहीं। सिलाई लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है पता नहीं चलेगा। देखिए सिलाई लगी हुई है लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं। बिल्कुल ये वाला सिलाई हम हाइड करके लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब देखिए आपका जो पॉकेट है वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा दी है लेकिन सिलाई नहीं नज़र आ रही है। अब दोनों साइड में भी हमें सिलाई लगाना है, वो भी बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। पैंट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो ट्रायंगल वाला शेप बाहर निकला है सिर्फ इसी शेप के ऊपर सिलाई लगाना है क्योंकि हमें इसी पार्ट को स्टिच करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा सिलाई लग गया है। इतना पॉकेट लगाने के बाद अब इस पॉकेट में अंदर वाली साइड हमें वाइट कलर का पॉकेट लगाना है। वो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें नाप लेना है। हमें लगाना है पॉकेट का लेंथ 7.5 और इस पार्ट को यहाँ तक अटैच करना है। तो अभी यहाँ तक के लिए आपका होगा पॉकेट लेंथ 12.5 से 13 इंच। तो हम 12.5 इंच का लेंथ लेंगे और विड्थ लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। तो इतना हमें वाइट कलर का फैब्रिक चाहिए। अब यहाँ पे हमने पॉकेट कटिंग कर लिया है। अब इस पॉकेट को इस पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, और इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे ऐसे। इससे देखिए ये पॉकेट भी लग जाएगा, फिनिशिंग भी आ जाएगा। पॉकेट नीचे से भी फिनिशिंग आएगा और ऊपर से भी आएगा।
इस तरह से। अब इस के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। अब इस पार्ट को ऊपर रखेंगे ऐसे, जहाँ पे भी हमारा ये पॉकेट आ रहा है ये वाला, यहाँ पे हमें इस पार्ट को इसके साथ स्टिच कर देना है। तो अब इस पार्ट को इसके साथ हम ऐसे स्टिच कर देंगे। क्योंकि तो जब हम पॉकेट में कुछ भी डालेंगे तो हमारा पॉकेट अंदर वाली साइड से दिखेगा और वो दिखेगा फिर वाइट कलर का, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेम कलर का फैब्रिक लगा रहे हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसको हम ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। पॉकेट ही मेन होता है हमारा पैंट में, यहाँ पे दोनों साइड में हम यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद पॉकेट को सेम मेथड से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हम आपको गुम पाइपिंग, गुम पॉकेट बता रहे हैं। गुम पॉकेट लगाना भी आना चाहिए। अब देखिए दोनों साइड में हमने पॉकेट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इससे आपका पॉकेट भी परफेक्टली लग जाएगा। देखो दोनों साइड में लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दें। अब पॉकेट को पलट देंगे। अभी देखिए पॉकेट बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। और पॉकेट को बिल्कुल इसी तरह से यहां पर स्टिच कर देंगे। अब इस पॉकेट को हम प्रेस कर लेंगे। देखिए हमारा बैक पॉकेट पूरा रेडी है। अब हमें पैंट का साइड से स्टिचिंग लगाना है। देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की साइड से स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। ये वाला काम हमें पहले करना है पैंट में, फिर लास्ट में हमें बेल्ट अटैच करना है और जिप लगाना है। तो अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। जो हमारा दूसरी साइड में बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट को हमने देखिए प्लेट डाल लिया है। अब इस प्लेट को भी हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसके साथ हम फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। कभी भी आप पैंट स्टिच करेंगे तो ध्यान रखना है आपको नीचे वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच आपको सिलाई में लेना है।
पहले हम एंड तक चेक कर लेंगे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फ्रंट वाला पार्ट छोटा ही होगा, हमेशा ज़्यादातर फ्रंट पार्ट छोटा होता है। तो उसको हम किस तरह से बैक पार्ट के साथ इक्वल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर होगा तो छोटा ही पार्ट फ्रंट वाला होगा। अब देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट करेंगे और बहुत माइनर सा छोटा पार्ट होता है फ्रंट वाला पार्ट छोटा। अब देखिए यहाँ पे हमने साइड का सिलाई लगा दिया है। अब इस मार्जिन को देखिए फ्रंट से हमारे पॉकेट भी लग गया है। अब इस मार्जिन को दोनों साइड में करना है हमें ऐसे, और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में प्रेस किया है बिल्कुल वैसे ही फ्रंट वाले पार्ट में भी प्रेस करेंगे। और जैसे हमने इस पार्ट को अटैच किया है वैसे ही ये वाला पार्ट भी अटैच करेंगे। इस साइड में भी हमें नीचे से ही अटैच करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हम ऊपर से अटैच करते हैं फिर बाद में क्या होता है हमारा नीचे से छोटा और बड़ा हो जाता है, वो हमारा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें पैंट को नीचे वाली साइड से अटैच करना है। हाफ इंच ही रखेंगे मार्जिन। जैसे देखो यहाँ पर छोटा और बड़ा हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरह से इक्वल कर देंगे। ये थोड़ा सा पार्ट हमारा यहाँ पर बड़ा छोटा होता है तो हम इसको हल्का हल्का इस तरह से कटिंग करके ऊपर तक मिला देते हैं। ऐसे हम दोनों साइड में कर सकते हैं, किसी भी साइड में अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो इस तरह से कर लेंगे। अब इस साइड में भी आपको इसी तरह से फिटिंग में प्रेस करना है। पहले आप जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ प्रेस करने का, वहाँ वहाँ पे आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी पैंट में फिनिशिंग भी आएगी और आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए दोनों साइड में हम यहाँ पे ओवरलॉक करने के बाद प्रेस कर देंगे। इस पार्ट में भी प्रेस करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा पैंट का अंदर वाला पार्ट है, सेंटर से पूरे में हमने ओवरलॉक कर दिया है और ओवरलॉक करके हमने मार्जिन को दोनों साइड में करके प्रेस भी कर दिया है। अब हमें पैंट की फिटिंग करनी है। पैंट की फिटिंग के लिए जितना भी पार्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है वो मैं एक्स्ट्रा ही लूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था कटिंग करते वक्त, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे ही मार्क करूँगी। अब 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसी पॉइंट से सिलाई लगा देंगे। नीचे तक बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ऊपर से हम मार्जिन इतना लेते हैं लेकिन नीचे से हम मार्जिन को कम करते रहते हैं। कभी भी 2 इंच मार्जिन ऊपर और 2 इंच मार्जिन नीचे नहीं लेना चाहिए। अब देखिए हमारा क्रॉच भी बिल्कुल इक्वल ही जॉइंट होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इस साइड में भी हमें मार्जिन दोनों तरफ करना है। अगर आपको पैंट थोड़ा लूज चाहिए तो मार्जिन को आप इक्वल भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे वाली साइड दोनों साइड का मार्जिन इक्वल कर लिया है।
अब इस साइड भी हमें मार्जिन को दोनों साइड में करके प्रेस कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी आपको ऐसे ही करना है। देखो इस साइड हमारा फ्रंट में भी पॉकेट हो गया है, बैक में भी, एक ही साइड में मैंने पॉकेट लगाया है सिर्फ राइट साइड में। बिल्कुल इसी तरह से पैंट को फिटिंग इस साइड से भी करेंगे। मार्जिन मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, नीचे वाली साइड इक्वल करके ले रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेंगे जितना ऊपर लिया है। अब देखिए धीरे धीरे करके हमें मार्जिन को बढ़ा देना है। जैसे 2 इंच मार्जिन हमने लिया है तो 2 इंच ही मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे। हल्का हल्का धीरे धीरे हम बड़ा करते जाएंगे, यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाते जाएंगे। और देखिए दोनों पार्ट हमारे इक्वल भी जॉइंट हो गए हैं, छोटा बड़ा नहीं हुआ है हमारा क्रॉच। अब इसके बाद हमें जिप लगाना है, तो पहले हम यहाँ पे जिप लगा लेंगे प्रेस करने के बाद। और नीचे वाली साइड भी आप साथ के साथ फोल्ड कर सकते हैं। देखिए जितना भी आपको ये पार्ट चाहिए उतना पार्ट आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर वन टाइम और फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे प्रेस से ही, और उसको बाद में तुरपाई कर देंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जितना आपको चाहिए। हमारा लेंथ 39 के अकॉर्डिंग है तो हम उतना ही रखेंगे, 36 हमारा लेंथ है तो हम अपना लेंथ पैंट का 36 रखेंगे। देखिए इस तरह से आपको पैंट को प्रेस करना है दोनों साइड को ऐसे मिला के, क्योंकि ये प्रेस आप बाद में नहीं कर पाएंगे, इतना परफेक्टली तो नहीं कर पाएंगे सिलाई लगाने के बाद। सिर्फ आपको ये एक ऐसा चांस मिलता है कि जब आप अपनी पैंट को परफेक्टली प्रेस कर पाते हैं, और ये जब आप क्रॉच जॉइंट कर देंगे, जिप लगा देंगे, तब आप ऐसा प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रेस करने के बाद आपकी पैंट ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें जिप लगाना है, तो जिप के लिए हमें 2 पार्ट पहले रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम जिप लगाने के लिए इन दोनों पट्टियों को रेडी कर लें हैं। देखो ये वाला पट्टी हमने रेडी कर लिया है और एक ये वाला पट्टी भी रेडी कर लिया है। ये दोनों पट्टियाँ हमें जिप में लगाने के लिए चाहिए। अभी देखिए जिप मैंने ब्लैक कलर लिया है, अभी मेरे पास सेम कलर का जिप नहीं है तो मैं यहाँ पे यही वाला जिप लगाऊंगी, क्योंकि पैंट में जिप नज़र तो नहीं आता, तो मैं अंदर इसको लगाऊंगी तो ये मेरा चल जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा ये वाला पार्ट है पैंट का, ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है। पहले हम इस पट्टी को लेफ़्ट साइड में लगाएंगे, उसके लिए हम पट्टी का पहले ये लेंथ देख लेंगे, क्योंकि हमारा जिप का लेंथ जितना भी होगा हमारी पट्टी उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जैसे हमारी जिप यहाँ तक आ रही है और हमारी ये पट्टी यहाँ तक आ रही है, तो इतना बड़ा हमारा पट्टी एटलीस्ट होना चाहिए। तो पहले मैं पट्टी अटैच कर लूँगी यहाँ पे, 1/2 इंच के आसपास हमें मार्जिन चाहिए पट्टी को अटैच करने के लिए। पहले मैं सीधा यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी और ये पट्टी मैं यहाँ पर रख रही हूँ सीधी साइड में, सीधा निशान लगाएंगे और सीधी ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टॉप सीम लगा देंगे। एक्स्ट्रा ये पट्टी हम कटिंग कर देंगे और इस पट्टी को हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से पहले प्रेस कर देंगे। प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से परफेक्टली जम जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे पॉकेट को, जिप को अटैच कर देंगे। इस तरह से जिप अटैच करेंगे इसी के साथ। तो पहले इस पार्ट को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे प्रेस से। अब जो हमारा दूसरी साइड है, इस साइड हमें जिप लगाना है। तो देखिए जिप के लिए मैंने
पहले ये वाली पट्टी जो रेडी की है, इस पट्टी के ऊपर हम जिप लगा देंगे यहाँ पे। इस पट्टी में आप नीचे की साइड भी ओवरलॉक करेंगे। आपने सिर्फ, हमने सिर्फ एक ही साइड में किया है, लेकिन आपको दोनों साइड में करना है। यहाँ पे नीचे की साइड भी करना है। सबसे पहले मैं इस पट्टी के ऊपर जिप को अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद अब हम इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। देखो, किनारे पर सिलाई लगानी है, आधा इंच मार्जिन ऐसे फोल्ड करना है। इस कपड़े को आपको खींचना नहीं है, नॉर्मल ही लगाना है। सिर्फ हाफ इंच के अराउंड आपको कपड़े को अंदर रखना है और बिल्कुल किनारे पर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। देखिए, खींचना नहीं है कपड़े को, सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, एकदम सीधी। इस तरह से सिलाई लगाना है कि जिप के ऊपर सिलाई नहीं आए और जिप बिल्कुल आसानी से ओपन भी हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि सिलाई जिप के ऊपर ही लग जाता है और हमारी जो जिप है वो ना खुल पाती है और ना ही बंद हो पाती है। इसलिए ध्यान से आपको ये वाला सिलाई लगाना है। जब आप लास्ट में आ जाते हैं तो बूट को ऊपर कर देंगे और जिप को इस तरह से ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी सिलाई बिल्कुल पास में भी आएगी और परफेक्टली सिलाई लग जाएगी, क्योंकि लॉक के ऊपर आप सिलाई नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, आपका सिलाई बिल्कुल किनारे पर आ गया है। इस साइड हमारा सिलाई बहुत ही बढ़िया लगा है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगाएंगे। इस साइड देखिए, हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आप इस पार्ट को हल्का सा ऊपर रखेंगे ताकि जिप नज़र ना आए। कोई भी कलर, अगर हमारा ऐसा नहीं है कि दूसरे कलर का जिप है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, कोई भी कलर का जिप होगा, सेम कलर भी होगा, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। आप चाहें तो यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हैं, बॉल पिन लगा देंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा यहाँ पर सिलाई लगाना। मैं यहाँ पर दो तीन ऑल पिन लगा देती हूँ, इससे हमारी ये वाली पार्ट इस साइड नहीं आ पाएगी। पिन लगा के हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए, पिन लगाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पिन लगा दिया है। अब इस पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और जो हमारा जिप है उस जिप के साथ हम इस पार्ट को अटैच करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में अटैच किया था। देखो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के साथ अब जिप को स्टिच कर देंगे। बिल्कुल किनारे पर लगाना है सिलाई। खींचना नहीं है, लूज नहीं छोड़ना है। वैसे तो हम एक और सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये सिलाई भी आपकी बिल्कुल परफेक्टली लगनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला सिलाई लगने के बाद आपकी जिप बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी इस तरह से। अब आप या तो आसन पहले जॉइंट कर दें या फिर ये वाली सिलाई लगा दें, क्योंकि ये वाली सिलाई भी बिल्कुल परफेक्टली लगनी चाहिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा सिलाई लग गया है, इसको खोल देंगे यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जिप तो हमारा परफेक्टली अटैच हो गया है। अब चाहें तो आप पहले क्रॉच जॉइंट कर लें, आसन जॉइंट करेंगे और उसी के साथ आप ये वाली सिलाई लगा देंगे। अब हम जिप
जो हमारी पिने हैं बॉल पिंस को निकाल देंगे। अब आप यहाँ पे आसन जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आसन जिप लगाने के बाद आपका जो आसन है इसका जॉइंट बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और जिप का बिल्कुल किनारी वाले पार्ट से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पे सिलाई लगाना इस तरह से। ये हम सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा ये पार्ट। और देखिए बिल्कुल इस किनारे से ही सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमारा ये जिप है इस पॉइंट से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जिप को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और बिल्कुल जिप के किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखो, मतलब जिप के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, लेकिन जो सिलाई लगाई हुई है इसी सिलाई के बिल्कुल पास में आपको सिलाई लगाना है। तो ऐसे पहले आगे पीछे करेंगे, सिलाई में लॉक लगा देंगे और उसके साथ हम यहाँ पे आसन को जॉइंट कर देंगे। जब भी आप आसन पे सिलाई लगाते हैं तो बहुत बारीक सिलाई लगानी है, क्योंकि आसन से सबसे ज़्यादा पैंट हमारी खुल जाती है, सिलाई भी खुल जाती है, परफेक्शन नहीं आ पाता। और सबसे ज़्यादा जब हम बैठते हैं तो आसन में ही खिंचाव आता है, तो सिलाई जब हमारी पक्की रहेगी तो वो खुलेगी नहीं। इसलिए आप मार्जिन दोनों साइड में करेंगे, जो आपका बैक पार्ट वाली साइड, पैंट के जो बैक पार्ट में हमने मार्जिन लिया था 2 इंच, उस मार्जिन को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। बाकी जो मार्जिन है फ्रंट पार्ट में उसको नॉर्मल ऐसे ही रहने देंगे। सिर्फ यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है, बाकी हम बेल्ट लगाने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको पैंट को सीधा करके दिखा देती हूँ कि हमने जो सिलाई लगाई है वो किस तरह से आई है। पहले धागे, एक्स्ट्रा धागे निकाल देंगे, एक्स्ट्रा धागे जो भी होते हैं वो साथ के साथ कटिंग करते रहें। अब देखिए पैंट का हमारा क्रॉच, आसन सब एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा के इसको ऊपर तक मिला देंगे। ये सिलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए। आपसे अगर नहीं लग पाएगी तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी पेस्टिंग ले लीजिए और पेस्टिंग लेने के बाद उसको इस तरह से शेप में कर लीजिए। शेप में कटिंग करेंगे और उसी शेप का आपको गाइडलाइन ले लेना है। उसके लिए देखिए कोई भी ड्राफ्टिंग कटिंग कर ले पहले पेस्टिंग का, जैसे मैंने कटिंग कर लिया है, और बिल्कुल इस पॉइंट पर रखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। तो इस पॉइंट से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है नीचे वाला मार्जिन का, नीचे वाला मार्जिन दबना नहीं चाहिए। पहले आप इस मार्जिन को इस तरह से एक ही लय में रखें, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो आपको लेना है। देखो यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे रखेंगे और यहाँ से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। बस ध्यान रखना है जो आपका जिप का पॉइंट है ना, वो इसके निडल के नीचे ना आ जाए, वरना आपकी निडल भी टूट सकती है। और बिल्कुल परफेक्शन के हिसाब से, फिनिशिंग के अकॉर्डिंग आप इस पेस्टिंग के बराबर बराबर में रखेंगे, कभी भी आपका कोई भी शेप खराब नहीं होगा। इससे आपकी शेप भी परफेक्ट आएगी, फिनिशिंग से आएगी। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप यहाँ पर इस तरह से शेप में सिलाई लगाते हुए आगे तक आ जाएंगे, तब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जिप का नीचे वाला पार्ट, उसको आप नीचे ही अलग कर दें, क्योंकि वो इसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। इसका बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सीधा सिलाई लगाते जाना है। छोटी पेस्टिंग है तो इसको आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे
और नीचे वाले पार्ट को हमने अलग ही कर दिया है। इस तरह से हमारा जिप लग गया है। अब हम अपना बेल्ट रेडी करेंगे। देखिए सिलाई भी बिल्कुल फिनिशिंग से आया है, धागा कट कर देंगे और जिप भी बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। अब देखिए बेल्ट कैसे रेडी करना है। बेल्ट के लिए ना पेस्टिंग आता है, और ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, ऊपर की जो लुप्पी है वो तो रेडी की हुई है। लुप्पी पे आप चाहें तो दोनों साइड में सिलाई लगा दें। दो पट्टियां हमने इस तरीके की बनाई हुई हैं, उन दोनों पट्टियों पे हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद देखिए सिलाई आप कैसे लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और बहुत ध्यान से लगाएंगे कि आपकी सिलाई नीचे ना उतर जाए। दोनों तरफ लगाना है, दोनों किनारे पर लगाना है। इससे आपकी पट्टी भी परफेक्ट बनेगी और पट्टी अच्छी भी लगेगी। दो पट्टियां हमने बनाई हैं, दोनों पट्टियों के ऊपर हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखो हमारी लुप्पी बहुत अच्छे से बनेगी। और अब हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं। बेल्ट को सिर्फ हमें पेस्ट करना है, बहुत आसानी से हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट को कटिंग नहीं किया जाता। वो जो पट्टियाँ आती हैं स्ट्रेट पट्टियाँ फॉर्मल पैंट में, वही यूज़ की जाती हैं। और लुप्पियों के लिए हम ये पूरी लुप्पियाँ कटिंग कर देंगे। देखिए इन सारी लुप्पियों को एक ही साइज़ की कटिंग करना है। यहाँ पर हम 3.5 इंच की लुपियाँ कटिंग कर लेंगे। अब मैं पहले जिप के ऊपर प्रेस कर लूँगी अच्छे से इसकी, क्योंकि बाद में परफेक्टली प्रेस नहीं हो पाता। और देखिए अंदर वाली साइड से भी हमारी जो जिप है वो बिल्कुल परफेक्ट लगी है। यहाँ पे हमारी मशीन थोड़ी सी धागा लूज कर रही है, तो मैं एक बार और सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि बाद में अगर ये सिलाई यहाँ से निकल गई फिर हमारा परफेक्ट लुक नहीं आ पाएगा। हमारा धागा लूज हो रहा है। लुपियाँ सभी 3.5 इंच की कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी जो सिलाई है, मैं वापस से सिलाई इस तरह से लगाऊंगी। एक ही सिलाई में ये लगना चाहिए। वैसे हमारा सिलाई अच्छे से नहीं लगा इसलिए मैं दोबारा लगा रही हूँ, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो पैंट है उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हमारी जिप होती है, पॉकेट होती है, आगे की और पीछे की पॉकेट। बाकी तो सारी सिलाइयाँ हमारी अंदर ही लग जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर धागे जितने भी बाहर निकले हैं ना, उनको सबको कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब मैं बेल्ट को पेस्ट कर लेती हूँ पहले, और बेल्ट पेस्ट करने के बाद हम अपनी पैंट में बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से मैंने पट्टी ले ली है। जितना भी मेरे पास पट्टी ऑलरेडी था वो पट्टी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब देखिए इसको हम इस तरह से लगाएंगे। कभी भी आप पट्टी को लगाते हैं
तो यहाँ पर आपको पट्टियाँ लगानी है, तो आपको क्या करना है, पेस्टिंग वाली साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, पेस्टिंग वाली साइड से अटैच करेंगे। देखिए जब भी आपको पेस्टिंग लगानी होती है तो आपको क्या करना है, पेस्टिंग वाली साइड से पैंट में अटैच होगा, और जो किनारी वाला पार्ट है, हमेशा आपको पैंट में जब बेल्ट लगानी होती है तो किनारी को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये किनारी वाला पार्ट हमारा पीछे की साइड फोल्ड हो जाता है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर ओवरलॉक करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा जो बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जेंट्स की पैंट की जो फैब्रिक होती है, यानी कि जो फॉर्मल पैंट हम बनाते हैं वो मोटे कपड़े से बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे फोल्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लुपियाँ लगा लेती हूँ। लुपियों के लिए मैं पहले मार्क लगाऊंगी। आपने जो यहाँ पर प्लेट डाला है, एक लुपी हम इस प्लेट के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये नाप लेंगे, 3 इंच आ रहा है तो हम 3-3 इंच के डिस्टेंस पर लुपियाँ लगाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से हम 4 लुपियाँ यहाँ पे लगाएंगे। एक हम यहाँ पे लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बिल्कुल फिटिंग में आ जाएगी, इसलिए वहाँ पे अवॉइड करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर इतनी लुपियाँ लगा रही हूँ, 4 लुपियाँ एक साइड में लगाऊंगी। तो अभी लुपियाँ अटैच कर लेते हैं पहले। अब देखिए लुपियों में एक साइड फिनिशिंग है और एक साइड अनफिनिशिंग है, तो जिस साइड फिनिशिंग वाली साइड है वो हम नीचे की साइड रखेंगे और पैंट में अटैच कर देंगे। हर बार लुपी में ये चेक कर लेना है, फिनिशिंग वाला पार्ट आपको नीचे रखना है। थोड़ा थोड़ा सा आप आगे की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड में हमारे ज़्यादा गैप ना आ जाए। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर लुपियाँ लगाई हैं वैसे ही दूसरे पार्ट में भी लगाएंगे। पहले हम इस साइड में बेल्ट लगा लेते हैं। देखो बेल्ट हमने पेस्ट कर लिया है और बेल्ट हम लगाएंगे बैक से, इस तरह से नाप के बैक वाले पार्ट में नाप लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जितना भी एक्स्ट्रा होगा फ्रंट में निकल जाएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट को, क्योंकि बेल्ट में ना थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, हम थोड़ा लंबे में लगाएंगे इस बार हुक। मैं हर बार यहाँ पे छोटा ही बेल्ट रखती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 0.50 इंच हमें ऊपर रखना है, बेल्ट बिल्कुल परफेक्टली हम अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए बैक साइड से जब हम फॉर्मल पैंट बनाते हैं तो ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा उठाना नहीं होता बैक, और वैसे भी नॉर्मली जब आपका हैवी साइज़ नहीं है, बहुत कम साइज़ है, तो नॉर्मली आप चाहें तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ऐसे निकाल दें। ओनली फॉर्मल पैंट में, ओनली स्मॉल साइज़ में। अब देखिए आपको कितना परफेक्टली यहाँ पर बेल्ट मिलेगा। अब जो हमने लुपियाँ लगाई हैं, इन सभी लुपियों को 1/2 इंच नीचे टक कर देंगे। हमेशा आपको लुपियाँ ऐसे ही लगाना है, 1/2 इंच आपको नीचे से टक करना है, ऐसे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर लुपियाँ आपको ज़्यादा चाहिए तो, ज़्यादा बड़ी चाहिए। देखो इस तरह से आपको स्टिच लगाना है, सारी लुपियों को नीचे से स्टिच करेंगे।
एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देंगे और सभी लुपियों को ऊपर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। जब तक हम प्रेस करते हैं तब तक हम दूसरी पार्ट में, दूसरी साइड में बेल्ट लगाएंगे। पहले हम दूसरी साइड में ही लगा लेते हैं क्योंकि एक ही साथ हमारा प्रेस हो जाएगा, बार बार हमें जाना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए आसन को इस तरह से इक्वल करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, सिलाई का निशान लगाएंगे क्योंकि एक साइड हमने ऊपर की साइड लिया है ना थोड़ा सा पार्ट, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा इतना पार्ट पे आपको सिलाई लगाना है। पहले तो हम लुपियाँ लगा लेंगे, दोनों बेल्ट को इस तरह से इक्वल रखेंगे और जितना जितना गैप पर आपकी ये वाली लुपियाँ लगी हैं उतने ही गैप पर दूसरी भी लगा देंगे इस तरह से। जैसे हमारी एक लुपी यहाँ पे लगी है तो 3-3 इंच का वैसे हमने गैप लिया था तो निशान भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिया था तो 3.5 ले लेंगे, 3.5, 3.5 और 3.5। बस लास्ट वाली लुपी आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपकी दोनों लुपियों का जो साइज़ है, मतलब जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि जब आप साइड से बैक का फिटिंग करेंगे, बैक से पैंट की फिटिंग करेंगे तो आपकी लुपियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए बैक वाली लुपी को चेक कर लेंगे। अब इस तरह से हमें जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ वहाँ पे लुपियाँ लगा देंगे, फिनिशिंग वाला पार्ट देख लेंगे किस साइड है, उस साइड आपको लुपी लगानी है। चार चार लुपियाँ लगा रहे हैं। अब बेल्ट लगाना है। देखिए ये जो हमने कट लगाया है इस कट के ऊपर आपको सिलाई लगाना है, तो इतना पार्ट आप ऊपर रखेंगे जैसे दूसरे वाले पार्ट में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है वरना आपका बेल्ट छोटा और बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा बेल्ट को जॉइंट कर देना है। टेस्टिंग के एकदम किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जब आप बेल्ट लगा रहे हैं तो पहले आप जिप को बंद कर लें, उसके बाद आप ये देख लें कि आपने बेल्ट कहाँ पे अटैच किया है, वहीं पे आप निशान लगा लें और दूसरी बेल्ट भी आपको वैसे ही लगानी है, इसी पॉइंट पे लगानी है। आप सभी लुपियों को आधा आधा इंच नीचे की साइड टक कर देंगे। जैसे हमने दूसरी साइड में किया है बिल्कुल वैसे ही।
देखो लुपियों को नीचे की साइड करेंगे और हाफ इंच के गैप पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सारी लुपियाँ हमने अच्छे से टक कर ली हैं। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे और अब मैं इस लुपी पे प्रेस करूँगी। देखो लुपियों पे ऐसे प्रेस करना है, लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं। पहले मैं अपनी बेल्ट को फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए जो हमारा यहाँ पर ये पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद आपका जो ये किनारी वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने किनारी वाला पार्ट लिया है। देखिए किनारी वाले पार्ट से हमें ये फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ बेल्ट ऐसे ही रहेगी। तो पीछे से तो आपको पता चल गया है ना कि किस तरह से बेल्ट को रखना है। अब मैं सिलाई जो लगाऊंगी वो इस साइड से लगाऊंगी, ऊपर वाली साइड से। तो आपकी जो भी किनारी वाला पार्ट है उसको इस तरह से पीछे फोल्ड कर देंगे। अब देखिए ये सिलाई हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं लगाती हूँ ना सिलाई, आपको ज़्यादातर बोलती हूँ कि जो गैप में अंदर की तरफ सिलाई में जो गैप होता है ना, उसके अंदर सिलाई लगानी होती है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमारी सिलाई ऊपर से दिखती नहीं है। बड़ा फिनिशिंग वाला पॉइंट है ये। देखिए बेल्ट हमारी पीछे की साइड अच्छे से फोल्ड हो जाती होती जा रही है और यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई भी लगाते जा रहे हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद लुपियाँ फोल्ड कर लेंगे और पैंट को नीचे से फोल्ड कर देंगे। सिलाई इस तरह से लगानी है कि सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। पीछे से आपको किनारी वाले पार्ट को हल्का सा खींचना भी है ताकि आपकी बेल्ट टाइट लगे। लूज़ बेल्ट नहीं होनी चाहिए। पीछे से देखो इस तरह से खींचना है हल्का हल्का। अब देखिए जो किनारी वाला पार्ट है ना एंड में, इसको ऐसे कट कर देंगे यहाँ से। और जो हमारी किनारी है इसको भी इसी के साथ ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब देखिए पूरा सीधा इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको बेल्ट को फोल्ड करना है। अब हम दूसरी साइड भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने इस साइड में लगाया है। देखिए इस साइड में भी आपको हल्का सा किनारी वाले पार्ट को कट कर देना है। किनारी वाले पार्ट को जब आप कट करेंगे तो आपकी जो ये पार्ट है ऊपर से, ये आसानी से आपकी अंदर वाली साइड फोल्ड हो जाएगी ऐसे। पहले हमें यही करना है, इस पार्ट को फोल्ड करना है, किनारी वाले पार्ट को भी फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो सिलाई भी लगाते जाएंगे और यहाँ पे देखिए पट्टी भी फोल्ड करते जाएंगे ऐसे।
बेल्ट को टाइट करना है पीछे से। एक्स्ट्रा बेल्ट को कटिंग कर देंगे पीछे से भी दोनों साइड से। अब देखिए एक्स्ट्रा जो धागा है उसको पहले कटिंग करना है, उसके बाद लुपियों को मैं प्रेस करूँगी और फिर लुपियों को भी ऊपर से फोल्ड कर दूँगी। और उसी के बाद जब मैं अभी प्रेस पर जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे नीचे से भी उसको फोल्ड कर दे रही हूँ। अभी हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इस पर। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको प्रेस अच्छे से कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब जितनी भी हमारी लुपियाँ हैं ये अच्छे से सेट हो गई हैं ऊपर की साइड। अब हम इन लुपियों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। लुपियों के ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं और लुपी के अंदर वाली साइड से भी लगा सकते हैं। मैं ऊपर से नहीं लगा रही हूँ, मैं अंदर से लगा रही हूँ। अंदर से हमारी फिनिशिंग भी आएगी और हमारी जो सिलाई है वो भी ऊपर से नज़र आएगी नहीं। तो हम यहाँ पर इस तरह से लुप्पी को ऐसे रखेंगे और अंदर वाली साइड से सिलाई लगा देंगे।
सभी लुपियों को इस तरह से सिलाई लगाकर और उसको अच्छे से प्रेस करके अंदर से लुपी का सारा मार्जिन कट कर देंगे। अब ऊपर से इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए लुप्पियों को इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा जो आपकी लुप्पी है अंदर वाली साइड उसको कट कर दें। एक्स्ट्रा मार्जिन सभी लुप्पियों से कटिंग कर देंगे लास्ट में। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी लुप्पियों को ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अगर आपकी लुप्पियों की चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब अगर बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो लुप्पी की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, तब हम नीचे वाली साइड से सिलाई लगा सकते हैं। अब हम लुपियों को फोल्ड करके अपनी पैंट की फिटिंग करेंगे। बस ऊपर से एक सिलाई लगाना है।
देखो लुपियाँ फोल्ड करते जा रहे हैं और सिलाई भी लगाते जा रहे हैं, और जैसे ही लुप्पी की ऊपर से इस तरह से आ जा रही है लुप्पी हमारी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिलाई को पक्का कर दे रहे हैं ताकि लुप्पी हमारी निकले ना। कई बार देखिए सारी लुप्पियाँ लगाने के बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हमेशा पीछे से लगाते हैं फॉर्मल पैंट में, और मार्जिन भी हमारा बैक साइड में ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पीछे से मार्जिन है वो हमने 1.5 इंच के अराउंड ही लिया था, और यहाँ पर आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्जिन लेकर सिलाई लगा देंगे। देखिए ये जो सिलाई है हमारी, इस सिलाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लूज़ और टाइट भी कर सकते हैं अपनी पैंट को। तो आप यहाँ पर सिलाई लगा के अपने इस आसन वाली सिलाई पे मिला देंगे। अब जो आपका पीछे वाली साइड मार्जिन है, इस मार्जिन को आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, और दोनों तरफ मार्जिन करके ऐसे प्रेस करके भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो इसको आप खोल भी सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपका पैंट लूज़ या टाइट हो जाता है तो। अब हम यहाँ पे चलते हैं काउंटर पे, मैं आपको इसको प्रेस करना बताऊँगी कैसे प्रेस करना है। तो देखिए ये हमारा पैंट पूरा फाइनल हो गया है। आप एक बार इसको अंदर से ज़रूर देखिए कि हर एक पॉइंट पर फिनिशिंग होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारा ये बैक पार्ट है, इस पार्ट को मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे इसको। हमेशा आपको पैंट में पीछे की साइड मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके, यहाँ पे बाद में हम तुरपाई कर लेंगे, तो इस पार्ट को हम ऐसे तुरपाई कर देंगे, या आप इस तरह से अगर ज़्यादा मार्जिन है तो वन टाइम और हम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, और बैक पार्ट में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। उसके बाद हम पैंट को सीधा करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है पैंट को अच्छे से परफेक्टली प्रेस करना। देखिए मैंने वन टाइम तो मशीन से फोल्ड कर दिया है, अब हम इसको तुरपाई वाला फोल्ड करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस कर दूँगी। जितना भी आपको फोल्ड करना है पैंट को, उतना आप यहाँ पर फोल्ड करने के बाद प्रेस कर दें। प्रेस करके आप रिवर्सेबल लगा सकते हैं अंदर और इस पर तुरपाई कर लेंगे। फॉर्मल पैंट में हमेशा नीचे तुरपाई होता है। उतना ही मार्जिन लेकर आप इस पार्ट को भी फोल्ड करेंगे, और इस पार्ट को भी आप इसी तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करते हुए ध्यान रखना है दोनों पार्ट एक ही जैसे फोल्ड होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। या तो आप निशान लगा लें पहले। अब देखिए दोनों साइड में फोल्ड करने के बाद अब हम पैंट को परफेक्टली प्रेस करेंगे, और पैंट में आप हुक भी लगाएंगे तो अपने साइज़ के हिसाब से लगा लेंगे, या फिर आप यहाँ पे बटन और काज भी लगवा सकते हैं। वैसे फॉर्मल पैंट में हुक ही लगता है, तो यहाँ पर हम देखिए एक्स्ट्रा जो भी हमारा इधर पट्टी है, इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी इधर वाली साइड की कटिंग कर देंगे। इसमें भी आपका तुरपाई ही होगा, तो इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। ऐसे ही आपको दूसरी साइड में भी इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देना है, और इस पट्टी पे भी हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे, और हुक लगाना है यहाँ पे जो आपका पैंट वाला हुक होता है। अब देखिए इसको प्रेस कर रहे हैं सेंटर पर, आप इस तरह से पैंट को सेंटर से फोल्ड करेंगे।
ऐसे ही इस साइड से फोल्ड करेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही प्रेस करेंगे। देखिए सबसे मेन होता है प्रेस करना। पैंट को अगर आपने अच्छे से प्रेस किया तो पहनने के बाद इसका बहुत अच्छे से लुक आ जाता है, और अगर आपने प्रेस सही नहीं किया तो आपका पैंट घूम जाता है, क्रीच बिल्कुल सामने नहीं आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी पैंट में होती है। तो इसीलिए पहले आपको पैंट को अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसलिए मैं आपको पूरा फुल रेडी करके दिखा रही हूँ विद प्रेस के साथ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ सीखेंगे तो बहुत जल्दी आपकी फिनिशिंग भी आएगी और फिटिंग भी। और इस पैंट का पूरा वीडियो हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। अभी हम आपको अच्छे से प्रेस करके दिखा रहे हैं। और इस पैंट की फाइनल लुक की वीडियो हम आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। तो देखिए हमारा बैक पॉकेट फ्रंट पॉकेट बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। आप इसी तरह से पैंट रेडी करके मुझे पिक्चर शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम की जो आईडी है, उस आईडी में आप मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे पता रहे कि मैं यूट्यूब पर लाइव आई हूँ तो आपने कितना परफेक्टली सीखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पैंट पूरा फुल रेडी है।